तो कब चाहे धर्म
वाली की हमारी सच्ची खानदान की इज्जत मर्यादा को बताया और तुम्हें उन पर टूट पड़े। नहीं कवल बच्चे शिक्षिन है तो हम समझे सार डाकू ही तक का चलावा। देखो भाई तुमने गलती किया और इस गलती की तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। बड़ा माफी मांगो। एक बार बताओ तुम्हें तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है, जो लोग प्यार से कहते हैं धर्म। भाई, भाई, एक मिनट, तुम्हारी नजरों में हम डाकू दिखाई पड़ रहे हैं, डाकू दिखाई पड़ रहे हैं। चलो फिर कोई बात नहीं है, माफ मान लो, करके करके हम माफ करते हैं। I'm sorry. नहीं ऐसे नहीं, आप तो लेकिन जुनाबी हिंदी में माफी मांगो, पैर पकड़ तो नौ से माफी मांगो। पैर पकड़ी? हाँ। क्या हुआ क्या हुआ? कौन मेरा दे रही है पैर? इंसानियत के नाते इन्होंने हम परेशान किया है। चलो मैं तो हाथ के पैर में माफी मांगो। हाथ हमारी तरफ करते हैं, पैर अपने छूते हैं। चलो कोई बात नहीं है अर्बु, पहले बात को समझ लिया कर तब भी उसने के छूते हो गया था। जाओ तो कब चली करो। यस ठाकुर। यस क्यों नहीं, मुझे अजीत को बोलो ठाकुर बलवीर सिंह कहते हैं। बलवीर सिंह क्या आज मेरे खानदान की इज्जत मर्यादा को बचाकर मेरे साथ बहुत बड़ा आचार किया है? क्या क्या कह रहे हो, ये तो हर इंसान के फर्ज होता है। हाँ मेहरबान से नजर कीजिएगा।
जब देखे बलबीर ये कहते हैं हमारी बहन तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन हमारी बहन, ये बात चंद्री सिंह सुनते हैं तो उनका चेहरा ये कहीं भाई बड़ा कड़ा भूल न जाए। जिसे हमारे भैया ने कहा हाँ भाई, भाई, भाई। यार से तुम मेरे भाई हो, वैसे आप भी मेरे बड़े भाई हैं। आज से तुम्हारा दूसर और हमारा दूसर होना चाहिए। तुम्हारे माता पिता हमारे माता, क्यों भाई क्यों नहीं, सही है। तुम्हारी बहन हमारी बहन और तुम्हारी बीवी हमारी बीवी। देखिए हर रिश्ता हो सकता है लेकिन हमारी बीवी तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती है। अरे वो बात नहीं भैया, तो बात इसकी अलग ही रहेगी। ये तुम्हारे कौन है? वैसे तो ये हमारे नौकर हैं लेकिन हम लोग इन्हें अपना नौकर नहीं समझते, हम अपना भाई समझते हैं। बलबीर भाई नौकर हमने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है। ये नौकर नहीं वाकई में एक घर का गांधर जिम्मेदार सदस्य है। धर्म वाकई में आप धर्म पार है, आप थोड़ा मजाकी जरूर है लेकिन तुम्हारा चेहरा देख अरे वाह भगवान आपको भगवान आपको जिंदगी भर खुश रखे। ये छोटी जाने वाले है लेकिन एक बात बताओ बारात कहां से कैसे कितनी तारीख कैसे क्या होगा? कल की तारीख में शादी है और कल की तारीख में बारात जाए। एक मिनट चाय पी कर जाओ यार, जल्दी क्यों है? तो साधू चाय ले करा बड़ा भाई घर ना कार्ड लाए हो ना चाय लाए हो। अरे बताओ भाई छपके हुए नहीं कहा तुमका कार्ड लाया अब परवा भी आता है की ना? आप बताइए कैसे कहाँ आना कहाँ जाना है? कल ठीक 9:30 बजे यही आ जाओ, ट्रेन से बारात जाएगी शहर। मतलब ट्रेन से बारात जाएगी? हाँ शहर जाएगी गाजियाबाद होगा। ठीक है चार आने जा रहे हो? अरे छोड़िए अरे चार ही ना। अरे नहीं हो रहा है जरूर जब तक आप नहीं आएंगे मैं दूल्हा नहीं बनूंगा। मैंने तुमसे कई बार कहा कि चाय लेकर आओ और तुम हर बार जाते हो खाली हाथ आते हो। तुम कई नहीं आए कहो चाय लेके आओ, धर्म चाय पत्ती और ये तीनों दोस्त